करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। उसके पहले एक छोटा सा डिस्कशन लेंगे कि बाजार में जैसे ही बाजार ऊपर आने लगते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा जब 17,000 चल रही थी तब भी मैं सिर्फ तेजी की बात कर रहा था, ये कह रहा था कि ये सिर्फ करेक्शन करेक्टिव फेज है ना कि कोई ट्रेंड रिवर्सल, तो डरने की कोई बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अब बात करते हैं कि आने वाले 10 साल कैसे हो सकते हैं। पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं कि हर बंदे के पास रोज इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है। एक एवरेज SIP देखी जाए तो 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए तक की SIP करते हैं। लेकिन क्या ये SIP करके आप अपना क्लास चेंज कर सकते हैं या फिर इतनी SIP कंफर्टेबली आप कर पाते हैं? तो मेरा ऐसा समझना है कि 100 में से 90 लोग इतना भी पैसा नहीं बचा पाते। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे इंडिया की, तो एवरेज पर कैपिटा इनकम मेट्रो सिटीज की भी देख लीजिए तो 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए तक एक बंदा कमाता है। एक अच्छी प्रोफाइल में रहेगा तो 1.5-2 लाख रुपए तक मैक्सिमम इसी कैटेगरी में लोग आते हैं, 50 से 2 लाख रुपए के बीच में, न कि रूरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं। इसमें से बेचारा बंदा कितना बचा लेगा? एक बेबी पैदा होने के बाद जब वो स्कूल जाना चालू करता है और एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसके पीछे मेरी समझ के हिसाब से उसके डायपर, खाना पीना, शौक, खिलौने को पकड़ लिया जाए तो मिनिमम साइड में 5,000 रुपए और मैक्सिमम साइड में एक अच्छे रिजनेबल लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए 10,000 रुपए के आसपास खर्चा लगता है। दो बेबी, हम दो, हमारे दो, तो 20,000 रुपए उस पर चले जाते हैं। घर का खाना पीना, अगर घर रेंट पे है या फिर EMI पे है तो उसकी EMI और रेंट चला जाता है। तो मोस्टली बंदे 5-10 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते, नहीं बचा पाते हैं, कितना भी स्ट्रेच कर लें। और ज्यादा से ज्यादा कोई अगर अच्छी प्रोफाइल में है तो 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, और इससे ज्यादा क्या करेगा? एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनल केस को छोड़ दीजिएगा। तो अगर बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में रोज पैसा बहता है। उस बहते हुए पैसे तो आपको बहते हुए नहीं मिल सकते, लेकिन उसका कुछ पोर्शन कैपिटलाइज करके उसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हो सकता है इस इन्वेस्टिंग से, मैं कह रहा, हर 500 रुपए, हर 1,000 रुपए, हर 2,000 रुपए को रिस्पेक्ट करिए, उसको कैपिटलाइज करिए और उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 10 साल में हो सकता है एक ट्रिमेंडस अनबिलीवेबल ग्रोथ देखने को मिले पोर्टफोलियो में। तो ट्रेडिंग करनी बहुत जरूरी है, इसीलिए इंटेलिसिस ने अपने हर एक काम को बहुत सोच समझ के आप लोगों के सामने रखा है। इसीलिए इंटेलिसिस चैनल का नाम है इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग करने के बाद, तो ट्रेडिंग कैसे होनी चाहिए? 0% स्पेकुलेशन, 0% लीवरेज, 0% ओवर ट्रेडिंग रहेंगे कायदे में तो आएगा फायदा, और उस फायदे को इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करना है। अगले 10 साल मिनिमम बोल रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में वो ग्रोथ नहीं देखी है। बाजार थोड़े से बढ़ते हैं तो तेजी के प्यादे बाहर आ जाते हैं, थोड़े से गिरते हैं तो मंदी के प्यादे बाहर आ जाते हैं। इन प्यादों के ऊपर मत जाइए। सोशल मीडिया में देखा जाता है लोग इतने सारे लोग एजुकेशन देने लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या फिर उनकी स्टडी अच्छी नहीं है, लेकिन फोकट ज्ञान के थोक विक्रेता काफी सारे बढ़ गए। तो हमको नॉइस को कम करना है, विजन क्रिएट करना है, ट्रेडिंग करनी है डिसिप्लिन में रहके, और उसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करना है। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। 17,915 का सपोर्ट लेवल लिया था, 17,994 का इसने लो पोस्ट किया है, और मैंने कल ये भी कहा था कि कल की जो क्लोजिंग थी 18,040 के ऊपर की, वो बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग थी। 18,121 का हाई पोस्ट किया, 18,140 का अपन ने रेजिस्टेंस लेवल लिया था, तो मोटा माटी बाजार हमारी रेंज में रहा है। 17,555 का मैजिकल फिगर था। मैजिकल फिगर होता क्या है? मैजिकल फिगर हमारा ऐसा फिगर होता है जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा या फिर करेक्टिव फेज पे, और जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है बुलिश फेज पे। 17,100 के आसपास आप लोगों को मैजिकल फिगर लाके वहां से टर्न अराउंड दिखा दिया था बाजार का, और आज 1,000 पॉइंट के आसपास ऊपर है। कल के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 18,025, 17,915, 18,142 पहला रेजिस्टेंस, 18,390 दूसरा रेजिस्टेंस, इसके बीच में 18,345 की भी एक हर्डल हो सकती है।
नॉइस को कम करना है, इन्वेस्टिंग करना है, ध्यान में रखिए। अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी की, 38,300 का सपोर्ट लिया था, 38,180 का लो पोस्ट किया और 37,850 का दूसरा सपोर्ट था, 38,870 का रेजिस्टेंस लेवल लिया था, 38,634 का इसका हाई पोस्ट हुआ है। कल के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 38,350, 37,850, रेजिस्टेंस 38,870 और 39,290, मोर और लेस ज्यादा बदलाव नहीं है लेवल्स में। बात करेंगे मैजिकल लेवल्स की, 17,555 का मैजिकल फिगर था निफ्टी का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 17,660। 17,660 के नीचे जाएगा तो ही कोई करेक्शन डेवलप होगा, वरना सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन फेज में कह सकते हैं, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल की गुंजाइश बहुत कम है। अच्छा कल डाउ जोन्स को देखकर भी बहुत सारे लोग ट्विटर पे कहने लग गए थे, ऊपर की क्लोजिंग देख के लोगों को माल पकड़ा दिया, कल गैप डाउन ओपनिंग देगी, धन्य हो प्रभु ट्विटर को। देखता हूं जो जिनकी बात में चवन्नी का वजन नहीं होता उनके भी हजारों सब्सक्राइबर हैं, तो बेचारे हजारों लोग परेशान होते होंगे, कोई व्यू नहीं बना पा रहे होंगे और बड़ा इन्वेस्टिंग का माइंडसेट नहीं बना पा रहे होंगे। कल के वीडियो में भी कहा था एडिक्शन डालना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का, और वो एडिक्शन कैसे आएगा, जब पहली शुरुआत करोगे, पहला कदम रखोगे। बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर था 37,200 का, वो मैजिकल फिगर हो चुका है 37,250 का, और निफ्टी का मैजिकल फिगर 17,660 का। तो इस मैजिकल फिगर को ध्यान में रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते रहिए, इंडेक्स के लेवल के आधार पर भी आप लोग कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना के अच्छा खासा पैसा कैपिटलाइज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है पिछले पास दो साल के वीडियोस के आधार पर। तो आशा करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो जाते जाते प्यार मोहब्बत भरा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को और पा सकते हैं कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में संपर्क करना होगा, ऊपर आई बटन में पास वीडियोस के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए ताकि मार्केट की साइकोलॉजी आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।